यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। एक के बाद एक सड़क हादसे से जहां लोगों की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं इस सड़क पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि तभी अगले दिन यानी शुक्रवार को भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डरमंडगंज क्षेत्र के बड़का घुमान के पास एक ट्रक और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में आसपास खड़े लोगों ने बाइक सवार लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 4 में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये सभी लोग मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उधर बोलेरो सवार 5 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इस घटना में घायल हो गए। साथ ही पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ये थाना डरमनगंज के बड़का गुमान का मामला है। एक ट्रक जो पीछे से आ रहा था, उसके द्वारा एक बोलेरो को और एक बाइक को टक्कर मार दी पीछे से, जिससे बाइक सवार 3 व्यक्तियों की जिला अस्पताल में इलाज द्वारा मृत्यु हो गई है। एक बच्ची घायल है, वो अभी ठीक है, उसकी स्थिर है। जो ट्रक ड्राइवर है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और ट्रक के हिरासत में ले लिया गया है। ये जो मृतक का ये परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, वो यहाँ आ रहे हैं। एक बच्ची है जिसका इलाज यहाँ ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पुलिस द्वारा मृतका के जो परिवार जान उनके आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक के बाद एक सड़क हादसे सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।